हाय एवरीवन, मैं भूवी नीट एंड मचमोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आई नो आप सभी मेरे नए वीडियो का वेट कर रहे होंगे, तो लीजिए मैं आ गई एक और नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने स्किमिनो कम कार्डिगन को बुनना सीखा था। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इसकी लिंक शेयर कर रही हूँ, आप इसकी वीडियो भी उसमें देख सकते हैं। हमने ये किमिनो 2 साल से बड़े और 3.5 साल तक के बच्चों के नाप की बनाई थी, तो आज हम इसी नाप की पैंट बुनना सीखेंगे। मैंने इस पैंट में भी सेम पैटर्न यूज़ किया है, इसमें मैंने दोनों साइड में ये बबल वाली पैटर्न बनाई है। इसकी बुनाई मैंने बॉटम से शुरू की है और इसको मैंने पैंट स्टाइल में बुनाई की है। मैंने बॉटम से इसकी बुनाई करके यहाँ तक बुना, फिर मैंने इसके आगे के पार्ट की बुनाई की। ये पैंट पहनने में बहुत कंफर्टेबल हो इसीलिए मैंने इसमें फंदे बढ़ाकर इसके आसन की बुनाई की, फिर साथ साथ ही मैंने यहाँ पे साइड में पैटर्न की भी बुनाई की है। फिर लेंथ कंप्लीट होने के बाद मैंने बॉर्डर की बुनाई करके इसमें इसको बांधने वाली बनाई है। आप चाहे तो इसमें इलास्टिक भी लगा सकती हैं, मैंने इसको फिलहाल बांधने वाली बनाई है। अब इसकी बुनाई मैंने कैसे की है अब आगे वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये पैंट बुनना सीखते हैं। फ्रेंड्स, इस पैंट में लगभग 190 ग्राम के आसपास वूल यूज़ हुआ है। मैंने पैंट के एक साइड के पार्ट की बुनाई यहाँ तक कर ली है, अब ऐसे ही हमें दूसरे साइड के पार्ट को भी बुनना है। अब इस पार्ट की तरह ही हम दूसरा पार्ट भी बुनेंगे। इसके लिए हमें थोड़े मार्कर्स चाहिए होंगे और इसमें भी मैं वर्धमान की 2-ply वूल यूज़ कर रही हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में की थी, और सेम 10 नंबर की सर्कुलर नीडल यूज़ कर रही हूँ जो कि पोनी की है। चलिए पैंट के लिए फंदे कास्ट ऑन करते हैं। हम ये पैंट 2 साल से बड़े और 3.5 साल तक के बच्चों की नाप की बना रहे हैं और मैं 2-ply यार्न यूज़ कर रही हूँ, तो इसके लिए हम 45 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। हमने फंदे तो कास्ट ऑन कर लिए हैं, अब आगे हम बॉर्डर की बुनाई करेंगे। तो इसमें 45 फंदे हैं, तो 45 फंदों को हम पूरा पर्ल ही बुनेंगे। फर्स्ट रो की हमने बुनाई कर ली है, अब ये सेकंड रो है और राइट साइड है, तो इसमें हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर सारे फंदों को हमें पर्ल ही बुनना है। हमने 2 रोज की बुनाई कर ली है, अब हमें इन्हीं 2 रोज को रिपीट करके आगे 16 रोज और बुनने हैं, तो टोटल हमें बॉर्डर में 18 रोज बुनने हैं। आप चाहे तो बॉर्डर की लेंथ को थोड़ा कम या ज़्यादा भी रख सकती है अपने हिसाब से। तो मैंने इसमें 18 रोज कंप्लीट कर लिए हैं और बॉर्डर को अलग अलग ऐसे 15-15 फंदों में डिवाइड भी कर लिया है, क्योंकि आगे हमें पैटर्न भी बुनना है और साइड में ये पर्ल वाली
बुनाई करनी है। फ्रेंड्स, हमने बॉर्डर की बुनाई तो कंप्लीट कर ली है, अब आगे हम बुनाई करेंगे। तो ये रो वन काउंट करेंगे, इसमें पहला फंदा स्लिप करके हमें 14 फंदे उल्टे ही बुनने, मीन्स पर्ल बुनना है। फोर्टीन फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, अब आगे के जो 15 फंदे हैं हमें सुलटे ही बुनने हैं, क्योंकि आगे हमें बबल पैटर्न इसमें बुनना है। तो 15 फंदे हम सुलटे बुनेंगे बीच में। अब यहाँ हमने 15 फंदे सुलटे बुन लिए हैं, तो यार्न आगे लाकर हम आगे के फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। जो आगे ये 15 फंदे बचे हैं उनको हम पर्ल ही बुनेंगे। राइट साइड की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है, अब ये रो टू है और इसमें हम पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदों को उल्टा ही बुनेंगे। हमने टू रोज की बुनाई कंप्लीट कर ली है, अब हमें आगे इन्हीं टू रोज को ही रिपीट करना है। बीच में हमें 4 रोज और बुनने हैं और साइड में हमें पर्ल की 2 रोज बुननी है, मीन्स हमें दोनों साइड भी उल्टी सुलटी बुनाई करके 4 रोज कंप्लीट करनी है। मैंने यहाँ पे टोटल 6 रोज कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं पर्ल के 3 रोज यहाँ पे मैंने बुन लिए हैं। अब हमें आगे यहाँ पे फंदे भी इंक्रीज करने हैं दोनों साइड से, तो एक एक फंदा हम अब यहाँ इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे 6 हमने रोज कंप्लीट किए हैं और ये सुलटी साइड है, तो हमें सुलटी साइड से ही फंदे बढ़ाने हैं। तो पहला फंदा स्लिप करके एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर जो थर्ड वाला फंदा है उसी के जस्ट नीचे से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। आप चाहे तो ऐसे भी फंदा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे फंदे बढ़ा रही हूँ। तो एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया, तो यहाँ पे मार्कर से हम मार्क कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने 6 रो के बाद यहाँ एक फंदा बढ़ाया है। अब यहाँ मार्क करने के बाद आगे के 13 फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। अब यहाँ तक बुनाई करने के बाद आगे के जो फंदे हैं 15 फंदों में हमें बबल पैटर्न बुनना है। हम 6 रोज उल्टी सुलटी बुनाई करके 7th रो में बबल बना रहे हैं। अब आगे हमें बबल पैटर्न बुनना है, तो हम 4 फंदे पहले सुलटे बुनेंगे। 4 फंदे सुलटे बुने, फिर 5वां फंदा हम ऐसे छोड़ देंगे, फिर 4 फंदे हम ऐसे उधेड़ देंगे। फिर जो 5वां फंदा है उसमें हम ऐसे सुलटी बुनाई करेंगे, यहाँ पे एक बबल बन गया। फिर हमें आगे के 3 फंदों को सुलटा बुनना है, फिर वैसे ही यहाँ पे एक फंदा छोड़कर हमें 4 फंदों को उधेड़ कर 5वें फंदे पे सुलटी बुनाई करनी है। फिर आगे हमें 3 फंदों को सुलटा बुनना है, फिर हमें एक बबल बनाना है यहाँ पे। अब आगे बचे 2 फंदों को हमें सुलटा ही बुनना है, फिर यार्न आगे लाकर हमें 13 जो फंदे हैं उनको उल्टा ही बुनना है। फिर 13 फंदों के बाद हमें यहाँ भी आगे एक फंदा बढ़ाना है। थर्टीन फंदे हमने बुन लिए हैं और 2 फंदे बच गए हैं, तो पहले वाले फंदे के जस्ट नीचे से हमें एक फंदा बढ़ाना है, फिर 2 फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है।
राइट साइड की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है और बबल की एक लाइन की बुनाई हमने कर ली है। अब ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड में हम पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। अब ये नाइन्थ रो है और राइट साइड है, इसमें हमें पहला फंदा स्लिप करके आगे के जो 15 फंदे हैं उनको उल्टा ही बुनना है। अब यहाँ तक बुनने के बाद आगे हमें 15 फंदों को सुलटा ही बुनना है। अब यहाँ बीच में 15 फंदे बुन लेने के बाद आगे के 16 फंदों को हमें उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। हमने बबल की एक लाइन की बुनाई कर ली है और एक बार हम फंदा यहाँ बढ़ा चुके हैं। अब आगे हमें फंदे और बढ़ाने हैं, तो हमें 8 अभी रोज कंप्लीट करने हैं, फिर उसके बाद हमें फंदा बढ़ाना है। फंदे बढ़ाने के साथ साथ हमें पैटर्न को भी बुनते जाना है, तो हर 5th रो में हम बबल बनाएंगे। फर्स्ट टाइम हमने फंदा यहाँ इंक्रीज किया था, उसके बाद 6 मैंने रोज कंप्लीट कर लिए हैं, ये 7th रो है। अब हम बबल की दूसरी लाइन बनाएंगे पहले बबल की बाद 5th रो में। तो यहाँ पे हम 16 फंदे बुन लेने के बाद आगे 2 फंदे बुनेंगे, फिर यहाँ पे एक फंदा छोड़कर 4 फंदे हम उधेड़कर 5वें फंदे को हम बुन के एक बबल बनाएंगे यहाँ। फिर आगे हमें पहले की तरह ही 3 फंदे बुनने हैं, फिर एक बबल बनाना है। ऐसे ही करके हमें आगे 3 फंदों के बाद एक बबल बनाते जाना है। हमने लास्ट बबल बना लिया, अब यहाँ 4 फंदे बच गए हैं, तो उन्हें हम सुलटा ही बुनेंगे। फिर यार्न आगे लाकर बचे 16 फंदे जो हैं उन्हें हम उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करेंगे। हमने राइट साइड की बुनाई कंप्लीट कर ली है, अब ये रॉन्ग साइड है और 8th रो है, तो इसमें हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदों को हमें उल्टा ही बुनना है। ये रो कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 रोज और बुने हैं और मैंने 10 रोज कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 11th रो है, अब 11th रो में हम दोनों साइड एक एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। तो इस रो में भी हम पहला फंदा स्लिप करके एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर उसके बाद 3rd रो के जस्ट नीचे से हम एक फंदा ऐसे उठाकर बढ़ाएंगे। फिर आगे हमें पर्ल वाले फंदों को पर्ल ही बुनना है, फिर बीच में हम पैटर्न बुनेंगे, फिर दूसरी साइड भी हम ऐसे ही 2 फंदों से पहले एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने मार्कर लगा दिया है ताकि याद रहे।
मैंने राइट साइड की बुनाई कंप्लीट कर ली है। फिर इसके बाद हम रॉन्ग साइड बुनेंगे, एक फंदा स्लिप करके सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक तो बुनाई कर ली है, अब आगे हमें फंदे और भी बढ़ाने हैं। तो हमने यहाँ पे 10th रो के बाद 11th रो में फंदा बढ़ाया था, ऐसे ही करके आगे हमें और भी फंदे बढ़ाने हैं। दो बार हमें 11th रो में हर बार फंदे बढ़ाने हैं, और हमें हर बार 5th रो में राइट साइड में बबल भी बनाते जाना है। मैंने यहाँ तक बुनाई कंप्लीट कर ली है, और दो बार मैंने 11th रो में दोनों साइड फंदे बढ़ाए हैं, और मैं पैटर्न भी बुनते आई हूँ। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है, अब आगे हमें फंदे और भी बढ़ाने हैं। लास्ट टाइम हमने 11th फंदे पे फंदा बढ़ाया था, अब हम 7th रो में फंदा बढ़ाएंगे। 6 रोज़ कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे 7th रो में फंदा बढ़ाएंगे। दो फंदे बुनने के बाद 3rd फंदे पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे और मार्कर से यहाँ भी मार्क कर देंगे। हमने एक साइड फंदा बढ़ा लिया है, अब यहाँ लास्ट में भी दो फंदों से पहले हमें एक फंदा बढ़ाकर ये रो कंप्लीट करनी है। राइट साइड बुन लेने के बाद ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे। फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की भी बुनाई कंप्लीट हो गई है। हमने फर्स्ट टाइम 6 रोज़ कंप्लीट करने के बाद फंदा बढ़ाया था, फिर उसके बाद 11th रो में हमने 3 बार फंदे बढ़ाए दोनों साइड, फिर लास्ट टाइम हमने 7th रो में फिर से फंदा बढ़ाया। अब आगे हमें बुनाई कंटिन्यू करके 7th रो में फिर से दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाना है। मैंने 6 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं, अब ये 7th रो है, तो 7th रो में हम दोनों साइड एक एक फंदा वैसे बढ़ाएंगे जैसे हमने पहले बढ़ाया था। दो फंदों के बाद हमें यहाँ एक फंदा एक साइड बढ़ाना है, वैसे ही दूसरी साइड भी दो फंदों से पहले हमें एक फंदा बढ़ाना है। अब आगे हमें क्या करना है, हर 5th रो में दोनों साइड फंदे बढ़ाते जाने हैं, और पैटर्न को भी हमें कंटिन्यू बुनते जाना है, और तब तक हमें बुनते जाना है और फंदे बढ़ाते जाने हैं हर 5th रो में, जब तक कि हमारे पास टोटल 79 फंदे हो नहीं जाते। मैंने 79 फंदे होने तक इसकी बुनाई कर ली है, और पहले पार्ट की तरह इसकी भी लेंथ मैंने पूरी कर ली है, तो इसमें दोनों पार्ट्स में 79 फंदे हो गए। अब यहाँ तक बुनाई कंप्लीट हो गई है, अब हमें इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर आगे बुनाई करनी है। अब इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। मैंने यहाँ तक इसको 11 इंच तक लगभग बुना है। आप अपने बेबी की हाइट के अकॉर्डिंग इसकी नाप को घटा और बढ़ा भी सकती हैं। आप इसकी सेम मेजरमेंट लेने के लिए अपने बेबी के पैंट की नाप ले सकते हैं, उससे आप आधा इंच ज़्यादा बुनिएगा। अब यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे, और बीच में हम इसके आसन की बुनाई करेंगे ताकि ये पहनने में कंफर्टेबल हो। अभी हमें बीच में 10 फंदे बढ़ाने हैं, और साइड में हमें 5-5 फंदे बढ़ाने हैं, मतलब हमें टोटल 20 फंदे बढ़ाने हैं। अब हम दोनों पार्ट्स लेंगे। मैं एक पार्ट को ऐसे लेकर इसके एक साइड से मैं फंदे उठा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रोशिया से ही पहले एक साइड के 5 फंदे उठाऊंगी।
हमने यहाँ पांच फंदे उठाए, अब इनकी हम बुनाई करेंगे, तो इनको हम पर्ली बुनेंगे। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद यहाँ पर्ल बुनकर बीच में पैटर्न बुनकर यहाँ पर्ल की बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है, फिर आगे हम फंदे बढ़ाएंगे। अब ये रो कंप्लीट करने के बाद आगे हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं, तो बीच में हमें 10 फंदे बढ़ाने हैं। साइड में हमने 5 फंदे बढ़ाए, बीच में हमें 10 फंदे बढ़ाने हैं। एक साइड हमने 5 बढ़ाए, अब दूसरे साइड भी हम 5 बढ़ाएंगे, तो टोटल 20 फंदे हो जाएंगे। दस फंदे हमने यहाँ बीच में बढ़ा लिए हैं, अब आगे इस पार्ट को हम यहाँ पे मिलाएंगे, फिर लास्ट में हम 5 फंदे बढ़ाएंगे बाद में। तो हम यहाँ पे सीधे बुनते जाएंगे और पर्ल बुनेंगे। मैंने यहाँ पे दोनों यार्न से एक बार बुनाई की, फिर बैक करके एक यार्न से आगे बुनाई कंटिन्यू कर रही हूँ। अब आगे हमें पर्ल बुनना है, बीच में पैटर्न बुनकर फिर आगे पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। अब ये रो कंप्लीट हो गई है, अब इस साइड भी हमें 5 फंदे बढ़ाने हैं, तो उसी तरह से हमें यहाँ पर क्रोशिया से 5 फंदे बढ़ाने होंगे। पहले 158 फंदे थे, अब यहाँ पे 20 फंदे बढ़ गए हैं, तो टोटल हमारे पास 178 फंदे हो गए हैं। यहाँ हमने राइट साइड की बुनाई कंप्लीट कर ली है, अब ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड में पहला फंदा स्लिप करके हमें सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद आगे हमें इन्हीं टू रोज़ को ही रिपीट करना है। राइट साइड में हमें पैटर्न को बुनते जाना है और रॉन्ग साइड पर्ल बुनकर हमें 11th रोज तक ऐसे ही बुनते जाना है। मैंने 11 रोज़ बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। पहले हमने आगे 10 फंदे यहाँ पे बढ़ाए थे और दोनों साइड 5-5 फंदे बढ़ाए थे, टोटल 20 फंदे बढ़ाए थे। अब हमें इन फंदों को डिक्रीज़ करना है। जो आसन के लिए हमने यहाँ फंदे बढ़ाए थे उन्हें हमें रॉन्ग साइड में एक एक करके डिक्रीज करते जाना है ताकि आसन की शेप आ जाए। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमें रॉन्ग साइड से ही फंदे डिक्रीज करने हैं और हमें वी शेप देनी है, तो हमें हर बार दो दो फंदों का एक फंदा बनाना है। अब हम एक साइड से फंदे डिक्रीज करेंगे, तो पहला फंदा हम स्लिप करके दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। यहाँ पे टोटल 5 फंदे थे, तो यहाँ जो दो फंदे हैं उनका हम एक फंदा बनाएंगे, तो यहाँ एक फंदा डिक्रीज हो गया। अब आगे हमें बुनाई ऐसे ही करते जाना है। अब यहाँ पे मार्कर लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पे हमें फंदे फिर से घटाने, तो अब यहाँ दूसरे मार्कर पॉइंट तक हमें बुनते जाना है।
अब बीच में ये 10 फंदे हैं, तो 10 फंदों में हमें एक एक फंदा साइड से घटाना है। तो यहाँ पे हम एक फंदा घटाएंगे और इस साइड एक फंदा घटाएंगे। तो हम मार्कर को ऐसे ही लगाएंगे और यहाँ दो फंदों का पहले एक फंदा करेंगे। फिर दो फंदे बचने तक हमें आगे ऐसे ही पर्ल बुनना है। फिर दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे दो फंदों का एक फंदा करना है। तो यहाँ पे दो फंदे घट गए। अब आगे हमें बुनाई ऐसे ही कंटिन्यू करनी है और दूसरी साइड के पांच फंदों में से भी एक फंदा हमें यहाँ घटाना है। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद यहाँ भी हमें एक फंदा घटाना है, तो दो फंदों का हमें आगे के एक फंदा करना है। फिर हम तीन फंदों को उल्टा ही बुनेंगे, तो यहाँ भी हमने एक फंदा कम कर लिया। हमने 20 फंदों में से चार फंदे यहाँ घटा लिए हैं। अब आगे हमें ऐसे ही कंटिन्यू करके रॉन्ग साइड में हर बार बीच में दो और साइड में एक एक फंदा घटाते जाना है। 20 फंदों में से हमने 12 फंदे घटा लिए हैं। अब यहाँ पे साइड में दो फंदा बच गया। अब यहाँ बीच में चार फंदे बच गए और इस साइड दो फंदे, अब इनको भी हमने घटाना है। अब यहाँ पे साइड में दो फंदे बच गए हैं, तो पहला फंदा तो हमने स्लिप करना है हर बार, तो यहाँ एक फंदा रह गया, तो हमें दूसरी साइड का एक फंदा लेकर उसको घटाना है। तो एक फंदा हमने ये लिया, फिर दूसरी साइड का एक फंदा लेके दो फंदों का एक फंदा करेंगे। इसको बुनने के बाद आगे हमें मार्कर पॉइंट तक बुनते जाना है, फिर बीच में भी हमें फंदे घटाने। अब यहाँ बीच में चार फंदे बचे हैं, तो यहाँ पे दो दो फंदों का एक फंदा करेंगे, तो टोटल दो फंदे बच जाएंगे। अब यहाँ मार्कर लगा देंगे, फिर आगे बुनाई कंटिन्यू करके दूसरे साइड का भी एक फंदा हमें अभी घटाना है। अब दूसरी साइड के एंड में हम आ गए हैं, तो इसमें भी हमें इस साइड का एक फंदा उठा के दो फंदों का एक फंदा करना है। फिर लास्ट के फंदे को हमें पर्ल ही बुनना है। अब यहाँ रॉन्ग साइड में हमने फंदे घटा लिए हैं, अब इसके बाद हमें राइट साइड की बुनाई करनी है, फिर उसके बाद हमें रॉन्ग साइड में फिर से फंदे घटाने। राइट साइड की हमने बुनाई कर ली है, फिर से हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें फिर से फंदा घटाना है, तो साइड में हम एक फंदा घटा के आगे बुनाई कर लेंगे। अब हम बीच में पहुँच गए, साइड में हमने एक फंदा घटा लिया। अब यहाँ पे दो फंदे बच गए हैं बीच में, तो हमें क्या करना है, इस साइड का एक फंदा लेके दो फंदों का एक फंदा करना है, फिर उसी तरह से दूसरी साइड भी हमें दो फंदों का एक फंदा करना है। हमने यहाँ बीच में भी फंदे घटा लिए और साइड में एक फंदा जो बचा था वो भी घटा लिया है। अब हमें दूसरी साइड का जो एक फंदा बचा है वो घटाना है। अब यहाँ लास्ट में भी हमें दो फंदों का एक फंदा करना है, या फिर लास्ट का एक फंदा हमने पर्ल बुना। तो टोटल जो 20 फंदे थे हमने घटा लिए हैं। हमने आसन के लिए जो 20 फंदे बढ़ाए थे वो हमने घटा लिए हैं, और देखिए वी शेप भी आ गई है।
अब इसमें हमारे पास टोटल 158 फंदे बच गए हैं। अब आगे हमें इन्हीं 158 फंदों को बुनते जाना है और इसकी लेंथ को बढ़ाना है। उल्टी साइड हम पैटर्न के साथ पर्ल बुनते जाएंगे और उल्टी साइड हम एक फंदा स्लिप करके पूरी रो उल्टी बुनाई करके आगे लेंथ कंप्लीट करेंगे। मैंने आगे इसकी बुनाई कंटिन्यू करके इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ। मैंने इसके आसन से लेके यहाँ तक लगभग इसको 8 इंच तक बुना है। ये 2 साल से बड़े और 3.5 साल तक के बच्चों के नाप की है। आप अपने बेबी के हाइट के अकॉर्डिंग इसको नाप के थोड़ा घटा और बढ़ा सकती है। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद आगे हमें इसकी बॉर्डर भी बनानी है और इसको बांधने वाली मैं बना रही हूँ, या आप इसमें इलास्टिक भी लगा सकती हैं। अब आगे हमें बॉर्डर की बुनाई करनी है, तो एक फंदा हमें सुलटा और एक फंदा उल्टा बुनकर हम ये रो कंप्लीट करेंगे। अब ऐसे ही करके हमें राइट साइड और रॉन्ग साइड में बॉर्डर वाली बुनाई कंटिन्यू करके इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है। मैंने इसके बॉर्डर को भी कंप्लीट कर लिया है और इतनी लेंथ होने तक मैंने इसको बुना है। आप अपने बेबी की हाइट के अकॉर्डिंग इस बॉर्डर की नाप को घटा और बढ़ा सकती हैं। अब बॉर्डर की इतनी लेंथ बुन लेने के बाद इसको हमें ऐसे मोड़ना है और डबल करना है और इसको ऐसे मिलाकर सीलना है। आप चाहे तो इसको बाइंड अप करके भी बाद में सील सकती है, लेकिन मैं इसी के साथ ही इसको सिलूंगी। फ्रंट साइड की सिलाई करने से पहले हम दोनों साइड्स के पार्ट को सील लेंगे, फिर उसके बाद फ्रंट पार्ट को सील के फिर बॉर्डर की सिलाई करेंगे। एक साइड के पार्ट की मैंने सिलाई कर ली है और यहाँ पे ये आसन को भी सील लिया है। मैंने यहाँ तक सील लिया है, अब हम दूसरे पार्ट की भी ऐसी ही सिलाई करेंगे। मैं इस पैंट को राइट साइड से ही सिल रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फंदा है उसको हम अच्छे से सिल लेंगे। यहाँ पे हम इसको 2 बार सिलेंगे। हमने स्टार्टिंग के 2 फंदों को 2 बार अच्छे से सील लिया है। अब आगे हमें दोनों साइड से एक एक फंदा उठाते जाना है और इसको सीलते जाना है। अब यहाँ तक हमने सिलाई कर ली है, अब आगे भी हमें दोनों साइड का ऐसे एक एक फंदा उठाकर इसको यहाँ तक सिलते जाना है, फिर इसके फ्रंट पार्ट की भी हमें सिलाई करनी है। मैंने यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है पहले पार्ट की तरह ही। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे, फिर बाद में बॉर्डर की भी सिलाई करेंगे। तो वैसे ही हमें यहाँ भी सिलाई करनी है। मैंने इसके फ्रंट पार्ट की यहाँ तक सिलाई कर ली है, अब यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया है। उससे पहले हम बॉर्डर की सिलाई करेंगे, तो बॉर्डर को मैं साथ साथ ही सिलते जाऊँगी। मैं बॉर्डर का एक फंदा और जहाँ से हमने बॉर्डर बुनना शुरू किया था वहीं से एक एक फंदा उठाकर हम इसको सिलते जाएंगे। हमने जहाँ पे बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट की वहीं से हम वूल कट करेंगे। जितनी हमें वूल चाहिए इसके हिसाब से हम वूल लेके निडल में इंसर्ट करके फिर
इसको सीलना शुरू करेंगे। हमने जहाँ से बॉर्डर बुनना स्टार्ट किया था वहीं से हम इसको सीलना शुरू करेंगे। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से एक फंदा लेके और नीडल से एक फंदा लेके हम इसको सिलते जाएंगे। हमने बॉर्डर की पूरी सिलाई कर ली है, अब हम यार्न को सिक्योर कर लेंगे। बॉर्डर की तो हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब यहाँ हमें सिलाई करना बाकी है। यदि आप इसमें इलास्टिक लगाना चाहती हैं तो इस टाइम में आप इलास्टिक लगाकर फिर इसको सीलेगा। मैं इसको बांधने वाला बना रही हूँ तो मैं डोरी बनाकर इसके अंदर इंसर्ट करके फिर इसको सिलूँगी। मैंने इसकी डोरी बनाकर इसको इंसर्ट कर दिया है, बाल की तरह मैंने इसको गूँथ कर इसकी डोरी बनाई है। अब हम इसकी आगे सिलाई करेंगे। मैंने सिलाई भी कंप्लीट कर ली है और डोरियों में मैंने पॉम पॉम भी लगा लिया है। अब इसी के साथ इस पैंट की बुनाई कंप्लीट होती है। पैंट की बुनाई तो कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। अब बॉर्डर के जस्ट नीचे से इसकी लंबाई लगभग 8.5 इंच के आसपास है, ये 8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। बॉर्डर से इसकी लंबाई देखें तो लगभग 9 इंच के बराबर है। अब यहाँ पे ये 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा एक साइड है और यहाँ बैक साइड में भी, तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 9 इंच के करीब है। और यहाँ से नीचे इसकी लंबाई 11 इंच मैंने बनाई है। और इसकी टोटल लेंथ देखें बॉर्डर से तो लगभग 19.5 इंच के आसपास है। अब इसकी चौड़ाई की हम मेजरमेंट लें तो मैंने इसको आसन वाली बनाई है और काफ़ी कम्फर्टेबल है। इसमें फंदे भी ज़्यादा हैं और ऐसे देखें तो इसको लगभग मैंने 14 इंच चौड़ा बुना है, लेकिन ये काफ़ी चौड़ा है ताकि बेबी को पहनने में अनकंफर्टेबल ना हो। पैंट की मेजरमेंट भी हमने ले ली है। आई होप आपको ये पैंट बहुत पसंद आया होगा। आप भी अब अपने बच्चों के लिए ऐसी ही पैंट बना के मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने इस पैंट की मैचिंग ये किमिनो बनाई है, आप भी इसी तरह की मैचिंग अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं, बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, उसके हिसाब से आप कलर चूज़ करके ऐसी ही मैचिंग बना सकती हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे हम बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। और यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।
आप सभी हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। इसी विश के साथ आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।